सब्सक्राइब कीजिए टेक्नोलॉजी विद शेखर और प्रेस कीजिए इस बेल आइकॉन को ताकि लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल वीडियोस एंड हैकिंग वीडियोस सबसे पहले आप देख सकें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शेखर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्नोलॉजी विद शेखर। दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा, अगर आपके पास कोई पुराना लैपटॉप का या कंप्यूटर का नहीं लैपटॉप का अगर हार्ड डिस्क है, अगर आपका लैपटॉप खराब हो चुका है, कैसे आप उसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब उसको एक इंटरनल हार्ड डिस्क से एक्सटर्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके पहले मैंने बताया था कैसे लैपटॉप से हार्ड डिस्क निकालना है, अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो दोस्तों ऊपर कॉर्नर में आप देख सकते हैं एक आई आइकॉन पे फ्लैश हो रहा है कि कैसे लैपटॉप का हार्ड डिस्क ओपन करते हैं। तो दोस्तों उसको सबसे पहले देख लीजिए, इसके अलावा भी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया गया है तो देख सकते हैं। तो दोस्तों ज्यादा देर ना करके चलिए आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास वो हार्ड डिस्क है, इसका पीछे का कवर मैंने खोल दिया है, आप देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों, इसका ये स्टिकर थोड़ा सा उखड़ गया है। सो मेरे पास है एक टेराबाइट का 2.5 इंच हार्ड डिस्क केसिंग। दोस्तों हार्ड डिस्क दो तरह का होता है, एक होता है साटा और एक होता है पाटा। तो दोस्तों पहचानेंगे कैसे, जो पाटा होता है उसके पीछे बहुत सारा एक्स्ट्रा आईसीज लगा होता है और वो थोड़ा सा मोटा होता है, और इसका जो वो उसका जो पिन होता है वो बहुत सारा होता है। सो ये है साटा। नॉर्मली जनरली आपका और मेरा कंप्यूटर सॉरी लैपटॉप में ये साटा ही लगा होता है, बिकॉज पाटा बहुत रेयर हो चुका है। तो दोस्तों ये है हमारा केसिंग, तो चलिए इसको खोलते हैं। देख सकते हैं तो इसमें क्या क्या है देखते हैं। दोस्तों इसमें है इसका SATA कनेक्टर, केबल है और है हार्ड ड्राइव केस जैसे कि आप देख सकते हैं। इसके अलावा ये पार्ट है। तो दोस्तों सबसे पहले इसको ओपन कीजिए और इसके जहाँ पे USB स्लॉट देख रहे हैं आप, उधर पे ये SATA कनेक्टर को प्लेस कीजिए। आप देख सकते हैं तो दोस्तों देख सकते हैं ये बैठ गया है। अभी हम हार्ड डिस्क को कनेक्ट करेंगे इस पार्ट से। देख सकते हैं कनेक्ट हो रहा है। दोस्तों बी केयरफुल बिकॉज ये बहुत सॉफ्ट होता है, ये कभी भी टूट सकता है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये लग चुका है। अब हम इसको इसके केसिंग के अंदर डालेंगे। अब देख सकते हैं इधर पे इसका स्क्रू होल है और इसका ऊपर साइड में स्क्रू होल है, सो आपको देख के डालना है। इसका मेटल का कवर होता है सो थोड़ा सा टाइट आएगा। देख सकते हैं ये कनेक्ट हो गया है। दोस्तों इसके साइड में स्क्रू का होल्स है तो आप स्क्रू लगा सकते हैं। तो दोस्तों हमारे पास स्क्रूज है इसका, देख सकते हैं, तो हम लगाएंगे इस होल पे।
आप देख सकते हैं स्क्रू लग चुका है। अब आप इस कनेक्टर से आप USB 2.0 से आप लैपटॉप से या कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हैं। और ये जो प्लग देख रहे हैं आप, ये इसके इस साइड में इंसर्ट होता है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं LED इंडिकेटर भी दिया हुआ है, ताकि इसमें अगर पावर सप्लाई आएगा तो ये LED इंडिकेटर ग्लो करेगा। तो दोस्तों अभी हम PC में लगा के देखते हैं ये चलता है या नहीं। और दोस्तों मैं बता दूं इस कवर को कहाँ से खरीदना है, मेनली मैं सजेस्ट करूँगा आपको ईबे से खरीदिए। ईबे में जाइए और सर्च कीजिए 2.5 इंच HDD या हार्ड डिस्क लिख सकते हैं आप, केसिंग नॉट केस दोस्तों, CASING। दोस्तों अगर केस लिखेंगे तो उसका कवर का चीज आ जाएगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं बहुत सारा है, 269 में, 240 में, आप देख सकते हैं बहुत सारा ऑप्शन आ रहा है। दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, आप इसको फ्लिपकार्ट से मत खरीदिए, बिकॉज फ्लिपकार्ट में भी आपको मैं सर्च करके दिखा देता हूँ 2.5 इंच हार्ड डिस्क HDD CASING केसिंग लोड हो रहा है। दोस्तों आप देख सकते हैं इसमें बहुत महंगा पड़ता है, 385, 399, 390, 450, दोस्तों इसमें बहुत महंगा पड़ता है। सो दोस्तों अगर आप ईबे में जाते हैं तो इसमें आपको 300 से मतलब 200 से 300 के बीच में बहुत अच्छा अच्छा चीज़ मिल जाएगा। बट अगर आप फ्लिपकार्ट से या अदर साइट यानी कि अगर आप अमेज़ॉन से खरीदते हैं थोड़ा सा महंगा पड़ेगा। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग।